अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहाबी अजमईन। उलमाए अजीज, आपसे चंद बातें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ये ऐसी बातें नहीं हैं जो बिल्कुल नई हों, आप कई मरतबे सुन चुके हैं, लेकिन अभी जैसे मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा, तस्कीर के लिए चंद बातें कहनी है। आप सब जानते हैं, अगर हमको कुछ करना है दीनी ऐसे से, हमको आगे बढ़ना है, सबसे पहली चीज़ यह है हमको ताल्लुक बिल्लाह बढ़ाएं। जब तक ताल्लुक बिल्लाह ना हो, चीज़ें ऊपरी चीज़ें होंगी। अगर ताल्लुक बिल्लाह हो तो जो कुछ भी होंगी अंदरूनी तहरीक से होंगी। अंदरूनी तहरीक की कैफियत उसी वक्त पैदा हो सकती है जबकि ताल्लुक बिल्लाह हकीकी वादे में हो। ताल्लुक बिल्लाह हकीकी वादे में कैसे हासिल होगी? बस इसी तरह के हासिल होगी कि हम अल्लाह की इताअत, रसूल के सुन्नत की सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पूरी ज़िंदगी गुजारें। सरे मुँह इंदिराव ना हो, हमारे हर हरकत सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। मैं हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, सब कुछ सुन्नत नबी के मुताबिक हो, तो हमारी ज़िंदगी ताल्लुक बिल्लाह के रास्ते पर चलेगी। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है, अहम बात है, लेकिन सोचने के लिए अगर ये है तो हमको पहले तय करना है कि हम ताल्लुक बिल्लाह की ज़िंदगी गुजारेंगे या आम जिंदगी गुजारेंगे। ये मुसलमान की ज़िंदगी गुजारेंगे, एक आम मुसलमान की ज़िंदगी गुजारेंगे, या मुत्तकियाना ज़िंदगी, मुजाहिदाना ज़िंदगी, दाइयाना ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर ये ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, रियाजत करनी पड़ेगी, लेकिन इरादा हो तो सब कुछ हो सकता है। इरादे के लिए तो इसी मस्जिद में इरादा कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी, आइंदा ज़िंदगी दीन के मुताबिक होगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी, अल्लाह के हकाम के मुताबिक होगी, हमारी बात को, दीन की बातों को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की होगी। अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दीन को पहुंचाना ये हम पर फर्ज है। हमारी तारीफ इसलिए नहीं हुई कि आम ज़िंदगी गुजारें, एक मोमिन मुस्लिम ज़िंदगी गुजारें, बल्कि इसलिए हुई है कि दाइयाना ज़िंदगी गुजारें, न सिर्फ एक खुद नेक बने बल्कि नेक बनाने की मुस्तकिल फिक्र करें। जब तक ये काम नहीं हो सकता, उसी वक्त हो सकता है जब ये होगा। कोई अंदर आना चाहते हैं तो समझते हैं कि दरवाजा बंद है। अच्छी बात है, मैं कुछ लंबी थोड़ी बात तकी करने के मौक़ में भी नहीं हूँ। यही बात आपके सामने है कि आप एक इरादा कीजिए, एक आज़म कीजिए कि हमारी ज़िंदगी मोमिनाना ज़िंदगी हो। उसके लिए जो इरादा करना है, उसके लिए जो मेहनत करनी है, वो उसी के लिए हम लोग जमा हुए हैं। हमको ये आम जलसा नहीं है, ये जलसा ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी के सिलसिले में हम जायज़ा लें। हम तंदुरुस्त नफ्स, जब तक हमारी ज़िंदगी हम जायज़ा नहीं लेंगे, हमारी ज़िंदगी में सुधार नहीं आ सकता। सुधार आ उसी वक्त पर जबकि हम अपने आप में गौर करें। हमको फैसला करना है कि हम आम ज़िंदगी गुजारेंगे या मुत्तकियाना ज़िंदगी गुजारेंगे। मुत्तकियाना ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको आप अज़्म करना है। हम जब अज़्म करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ता खोलते जाएगा। यही और कुछ लंबी छोड़ी बात कहनी नहीं है, और यही बातें आपके सामने आएंगे भी, इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।